तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और गाइस, अगर आपकी एक 18 या फिर 18 प्लस है तो ये वीडियो आपके लिए और आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप तीन ऐसी मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को फेस करनी होती है, हर एक मिडिल क्लास हर एक लो क्लास फैमिली को देखने को मिलती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ तीन ऐसी मेजर प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। गाइस, आपने देखा होगा कि आज कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लोग फ्री होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोग पैसे की दिक्कत को बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। आपने इस चीज को देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों के पास फाइनेंस नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं लाइक जो ड्रीम्स है, अगर मैं बात करूँ लाइक अगर उनकी बात करूँ नीड्स की, तो कहीं ना कहीं वो नीड्स भी कम्प्लीट नहीं कर पाते सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से। और अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं उनके जो मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली के जो मेंबर है, या फिर अगर मैं बात करूँ दोनों कैटेगरी की, तो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फाइनेंशियली की। और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है इन दोनों कैटेगरी के अंदर देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कहीं चलते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम की ओर। गाइस, जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है हेल्थ प्रॉब्लम। तो कहीं आपने देखा होगा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, क्योंकि आपको पता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन जो 2 साल गए हमारे वो बहुत ज़्यादा टफ थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। इस टाइम को अगर हम फेस किया था तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ज़रूर समझे होंगे कि सब जो चीज़ें थी, कहीं ना कहीं बिजनेस थे, जो कहीं ना कहीं कंपनी थी, वो सारी ऑनलाइन, मतलब जो वो सारी जो कंपनी थी कहीं ना कहीं क्लोज हो चुकी थी। तो गाइस, उस टाइम पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हुई ही है, उसके साथ में पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम हुई है मिडिल क्लास या फिर हर एक लो क्लास फैमिली के अंदर। और अगर मैं वाइज बात करूँ तो हर एक इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इशू हुई, राइट। तो गाइस, कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर कोई कोई COVID-19 से इफेक्टेड था तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, और जो COVID-19 से इफेक्टेड नहीं था उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो कहीं ना कहीं यार गाइस, ये जो दो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर देखने को बहुत ज़्यादा मिली है। और गाइस, हम बात करते हैं तीसरे ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर आपको देखने को मिली होगी। तो गाइस, जो थर्ड प्रॉब्लम वो एजुकेशन प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं गाइस, आपने देखा होगा कि एजुकेशन सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, राइट। आपने देखा होगा कि एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 10th और 12th का हाल ही में रिजल्ट आया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं उनकी लाइक जो अगर मैं बात करूँ उसकी स्टैंडर्ड थी, तो कहीं ना कहीं उस माइंडसेट से लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो कहीं आप सोच सकते हो कि एजुकेशन सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और कहीं जो 2 साल गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ और डिफिकल्ट गए हैं। और कहीं अब जो टाइम है वो सोचने का कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्री होने का, हेल्थ पर ध्यान देने का, और कहीं ना कहीं एजुकेशन पर ध्यान देने का। और कहीं अगर मैं बात करूँ हर एक यंगस्टर की, तो आज के टाइम पर यंगस्टर के सिर्फ एक ही लाइक हर यंगस्टर के थॉट्स एक ही आता है, कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियली फ्री होना है, उसकी लाइफ के अंदर सक्सेस होना है। तो कहीं ना कहीं उसको अगर सक्सेस होना है तो कहीं आप सोच सकते हो कि नहीं उसके पास में फाइनेंशियली फ्री है वो, और ना ही उसके पास में प्रॉपर तरीके से एजुकेशन है, और ना ही उसके पास में हेल्थ अच्छी है। तो गाइस, इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूर कर लिया अपने को सोचने के लिए कि कहीं ना कहीं अपने जो फाइनेंशियली फ्री होने के साथ साथ एजुकेशन लेने के साथ साथ अपने को हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो छोटे से लेवल की बात करूँ या फिर बड़े लेवल की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं हेल्थ ने अपने सबको मजबूर कर दिया कि आपको हेल्थ के बारे में सोचना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो आपकी सब कुछ अच्छा होने वाला है, और आपके जो लाइफ के अंदर बहुत सारा आप कुछ क्रिएट कर सकते हो अगर आपकी हेल्थ सही है। तो कहीं ये मैं बात करने वाला हूँ कि आज आपके पास में अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर पाए, अगर आपके पास में ऐसा कोई सेक्टर है कि आप अपनी लाइफ के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर अच्छे से ग्रो कर पाए, तो आप उस चीज़ को टाइम दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपने हर एक नियर बाय और रिलेटिव के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।